लॉकडाउन में चोर लुटेरे भी घटना को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक तरफ मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका फायदा उठाकर चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जबलपुर कटंगी स्थित प्रज्ञाधाम पारदेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर में चोरों ने देर रात धावा बोल दिया और शिवलिंग का छत्र चुरा लिया। यह पूरी घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। बताया गया है कि चोरों ने जिस छत्र को चुराया है उसका वजन 1 से 1.5 किलो है, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रूपए है। मंदिर प्रांगण में हुई चोरी से मंदिर के पुजारी और क्षेत्रीय लोग काफी खफा हैं। फिलहाल चोरी की शिकायत क्षेत्रीय पुलिस को दे दी गई है, जहां पुलिस और फॉरेंसिक टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आया कि 3-4 लोग ये इसमें मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे और ये छत्र लेके जाके फिर निकल गए। वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी की थी उस तरफ, वहाँ से मोटरसाइकिल से फिर वो निकल गए। वो कितने वजन का होगा ये? कम से कम 1.5-2 किलो करीब का। जब सोया वहाँ आरती करके, इसके बाद में मेरा हैंड रैप पहले उन्होंने लॉक किया वहाँ का। लॉक करने के बाद फिर वो यहाँ से प्रवेश हुए और आकर के यहाँ अपना अपना काम चालू कर दिया। जब मेरी नींद सुबह खुली 4 बजे पूजा के टाइम, तो जब मैं उठा तो मेरे हैंड रैप लॉक थे, तो पीछे का एक दरवाजा है उससे उसको उनको मालूम नहीं रहा, तो उससे मैं निकल के फिर बाहर आया, देखा तो यहाँ पर ये हैंड रैप जो टूटे थे, तो मैं महाराज जी के पास चला गया। देखिए, मुख्य रूप से हमने डॉग स्क्वैड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया है, उनके द्वारा अंदर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हो गए हैं, जिसके आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है और किस प्रकार के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये अभी प्रारंभिक जांच करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा ये किया जा रहा है। अभी ये जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।